जय हिंद दोस्तों। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अचूक मारक क्षमता वाली कार्बाइन बनाया है, जो बड़ी ही आसानी से दुश्मनों को नाको चने चबवा सकती है। इस गन की खासियत यह है कि ये एक मिनट में कम से कम 700 गोलियां उगलती है। DRDO के अनुसार यह कार्बाइन अब सेना के लिए उपयोग के लिए एक बेहतर हथियार है। बता दें कि इस कार्बाइन को DRDO की पुणे लैब और कानपुर की आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर बनाया है। DRDO ने कहा कि इस कार्बाइन के निर्माण से CRPF और BSF की तरह राज्य की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। क्या है इसकी खासियत? रक्षा मंत्रालय के अनुसार 5.56x30 mm प्रोटेक्टिव कार्बाइन की गर्मियों में उच्चतम तापमान और सर्दियों में हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में परीक्षण की एक श्रृंखला का अंतिम चरण था। ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन के शानदार मारक क्षमता और सटीक निशाने के कड़े मानदंडों को पूरा किया है। एक मिनट में दागेगी 700 गोलियां। JBPC को कभी कभी मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी कहा जाता है, जो 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती है। इस हथियार का प्राथमिक उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाए बिना टारगेट पर हमला करना है। इस कार्बाइन के लिए गोलियां पुणे की एम्यूनेशन फैक्ट्री में तैयार हो रही है। कार्बाइन एक ऐसा हथियार है जिसमें राइफल की तुलना में छोटा बैरल होता है। इसे भारतीय सेना के जवानों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे वे दुश्मनों को पटखनी दे सके। यह वही कार्बाइन गन है जो 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। 1980 में इंसास का निर्माण शुरू हुआ था। 1980 के आखिर में ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 5.56x45 mm क्षमता के छोटे हथियारों को बनाना शुरू किया था, जिसे बाद में इंसास नाम दिया गया। हथियारों के इस श्रेणी में राइफल, लाइट मशीन गन के साथ साथ इनके गोला बारूद और सामान भी शामिल थे। इंसास पर कई तरह के टेस्ट किए गए, कई तरह के वातावरण में इसको इस्तेमाल किया गया और 1994 में इसे लॉन्च कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।